बैंकों के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया, जिसको देखते हुए मंगलवार को भी बैंक कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन यूनिट के बैनर तले महानगर में रैली निकाली, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव यूपीएन सिंह ने बताया कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए, बैंकों का निजीकरण करने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव यूपीएन सिंह ने कहा, मेरा नाम यूपीएम सिंह है, मैं सेक्रेटरी यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। आज पूरे देश के अंतर्गत ऑल सेंटर यूनियन के सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, जितने भी क्षेत्र हैं, 20 करोड़ मजदूर जगत के लोग हड़ताल पर हैं। 12 सूत्री डिमांड जो कॉमन डिमांड देश के है कि महंगाई पर रोक लगाया जाए, निजीकरण रोका जाए और जो विनिवेश है सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी हालत पर न किया जाए, गैर जो इनकम टैक्स वाले हैं उनको 7,500 प्रति महीना दिया जाए, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न किया जाए, सबको पेंशन की बहाली किया जाए, आउटसोर्सिंग बंद किया जाए, ठेका पद्धति हो जाए, इन सब कामों को देखते हुए बैंक की जो निजीकरण इस समय बैंकों को निजीकरण की तरफ सरकार ले जा रही है उसको रोकने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि 2008 के मंदी में पूरे वैश्विक स्तर पर सभी बैंक धराशायी हो गए थे और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ही प्रॉफिट में दिए हैं और प्रॉफिट इतना दिए हैं आज तक कभी लॉस में नहीं गए हैं। बल्कि सरकार की विनम्रता, अडानी अंबानी ग्रुप के जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं उनको संरक्षण दे करके एनपीए का मोजर करा करके पब्लिक सेक्टर बैंक के मुनाफे को जनता के बीच में डुअल पॉलिसी अपनाते हुए घाटा दिखा रहा है और कर्मचारियों के ऊपर तलवार छटनी की लगी हुई है। हम लोग पूरे देश के स्तर पर इसका विरोध करते हैं, पुरानी पेंशन के बहाली के लिए करते हैं, किसी भी आउटसोर्सिंग के का विरोध बैंकों में करते हैं, इन सबको लेकर है हम लोग हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन भी हड़ताल है और क्लियरिंग कई 100 करोड़ की यहाँ बाधित हुई है लोकल और बैंक कामकाज प्रभावित हुआ है और पूरे देश स्तर पर पूरा कामकाज प्रभावित हुआ है।